एक बार फिर से इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर बनने वाले सिस्टमों के चलते देश में होने वाली बारिश के ऊपर करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई सिस्टम बनता है तब उम्मीदें बढ़ती है बारिश को लेकर देश में, या फिर बारिश नहीं होती है वहाँ पर भी ये सिस्टम पहुँचते हैं और बारिश देते हैं। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर बनने वाले सिस्टमों से क्या बारिश होने की संभावना आगामी समय में रहेगी, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले, हमारे इस चैनल पर 9000 सदस्य हो चुके हैं, इस फैमिली में इस परिवार की तरह हम जुड़े हुए हैं और आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आपका भी सपोर्ट मेरे साथ बना रहा और आप भी लगातार वीडियो देखते रहे। मैंने भी प्रयास किया लगातार निरंतर वीडियो अपलोड करने का और आप तक जानकारी पहुंचाने का, क्योंकि जानकारी मिलना आवश्यक है। और ख़ासतौर पर मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम हर एक पल में बदलता है और मौसम के इस बदलते स्वरूप को किसानों तक पहुँचाना ज़रूरी है। क्योंकि एक किसान ही होता है जो हर वक्त परेशान रहता है, चाहे वो सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो या गर्मी का मौसम, क्योंकि फसलों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत में कृषि बहुत होती है और मानसून कृषि को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। और मानसून की जब बारिश होती है किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। हालाँकि कई बार ऐसा होता है जब मानसून तबाही लेकर आता है और बाढ़ भी रिपोर्ट की जाती है। हालांकि ये सब बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल मौसम के अपडेट की करेंगे और बारिश की संभावनाओं की करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक और जानकारी शेयर कर देता हूं कि यानी कि 1000-2000 लोग ही देख पाते हैं वीडियो को, लगभग हम देखें तो वीडियो नहीं पहुंचता है। और वीडियो पहुंचने के बाद भी लोग चैनल के साथ नहीं जुड़ते हैं, ऐसा क्यों? आप भी चैनल के साथ जुड़िए, आपका भरोसा रखिए, आप तक सही जानकारी पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। आपको गुमराह करने के लिए झूठी खबर वो पहुँचाते हैं जो सत्य बोलने से कतराते हैं। तो सत्य की राह पर चलिए, सत्य ही आपको आगे लेकर चलेगा। फिलहाल बात करते हैं सत्य खबरों के लेकर। मौसम का क्या अपडेट है, क्या सिस्टम बनने की संभावना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर सक्रियता काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी, मानसून काफ़ी ज़्यादा उग्र रहेगा। मानसून की बदलती सक्रियता के चलते अरब सागर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम डेवलपमेंट होंगे और इन सिस्टमों के चलते देश के उन राज्यों पर बारिश होगी जहां पर इस समय सूखा पड़ा हुआ है और मानसून पूरी तरह से निराशाजनक प्रदर्शन के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल मानसून ने कल प्रगति की है, मानसून कल बिहार पहुंच चुका है, मध्य प्रदेश में भी मानसून का आगमन हो चुका है और अब मानसून के आगे बढ़ने की संभावना गुजरात, राजस्थान साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के और इलाकों पर बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में हालांकि मानसून नहीं आया है, लेकिन मानसून अब उत्तर प्रदेश की ओर निकलेगा। तो अब जल्द ही उम्मीद है कि मानसून देश के उन राज्यों को, उन शहरों को कवर करेगा जहां पर बेसब्री से मानसून का इंतज़ार है। तो तैयार रहिए, मानसून आ रहा है आपके यहां पर। उसके बाद बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर जब सिस्टम बनेंगे तो इन सिस्टमों के चलते आप देख पाएंगे कि मानसून काफ़ी तेज़ी से भारी बारिश देता हुआ आगे बढ़ेगा। और ये सिस्टम कब तक बनने की संभावना है, बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं कि परिस्थितियां बनती हुई हमें नज़र आ रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन तक मानसून सीजन में बन सकते हैं। इसके अलावा तो मैं आपको दिखा देता हूं कि कब तक सिस्टम बनने की संभावना है, बंगाल की खाड़ी में कब तक सिस्टम बनेगा, अरब सागर में कब तक सिस्टम बनने की संभावना है। तो आप मॉडल फोरकास्टिंग के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से परिस्थितियां बनती हुई नजर आएगी 26 जून के आसपास। 26 जून को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी मध्य भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलपमेंट होगा और यही सिस्टम आगे बढ़ता हुआ 27 जून तक उम्मीद है कि एक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। आप देख सकते हैं मॉडल फोरकास्टिंग में कि किस तरह से इंडिकेशन मिल रहे हैं कि सिस्टम जो है लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है पहले से ही बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों पर पहुंच जाएगा। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते मानसून मध्य प्रदेश, राजस्थान साथ ही साथ अगर देखें तो महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों पर एक्टिव रहेगा। इसी बीच जब ये सिस्टम बन रहा है बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर एरिया, तो ये इंटेंसीफाई होता हुआ आप देखिए किस तरह से पहले तो उड़ीसा के उत्तरी इलाकों पर पहुंचेगा, उसके बाद आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप देखिए कि ये सिस्टम किस तरह से इंटेंसीफाई होता हुआ आगे बढ़ेगा। और उम्मीद यह है कि ये सिस्टम आप देखिए किस तरह से लगभग आप देखिए झारखंड के ऊपर आ रहा है, झारखंड पर ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा झारखंड को। इसके अलावा ये सिस्टम जो है आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये सिस्टम जो है बंगाल की खाड़ी का ये सिस्टम लो प्रेशर एरिया बनेगा, इसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंचेगा, झारखंड के कुछ भागों को प्रभावित करता हुआ ये सीधा सीधा उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ जाएगा। तो ये तो रहे बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की स्थिति। अब अरबियन सी में बनने वाले सिस्टम की स्थिति की बात करते हैं, अरब सागर में कब तक सिस्टम बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अरब सागर में परिस्थितियाँ मुंबई सहित आसपास के इलाकों पर बढ़ती हुई आपको नजर आएगी 28-29 जून के आसपास। और उम्मीद है कि जब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आएगा, नमी वाली हवाओं के साथ मिलेगा,
तो उम्मीद है कि इन्हीं हवाओं के चलते यहाँ पर गुजरात के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलपमेंट होगा जो आगे बढ़ता हुआ राजस्थान को पार करेगा और राजस्थान के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास के इलाकों पर पहुंचेगा। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से ये सिस्टम जो पहुंचता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी का सिस्टम उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचेगा, तो इन दोनों ही सिस्टमों के चलते देश में आगामी समय में भीषण बारिश की उम्मीदें हमें नजर आ रही है। तो मॉनसून काफी ज्यादा प्रभावी रहेगा, बारिश को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। इसलिए 5 दिन किस तरह का मॉनसून प्रदर्शन रहेगा इसकी बात कर लेते हैं। आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी पर जैसा कि मैंने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, तो आप देखिए किस तरह से सक्रियता रहेगी। इसके अलावा अरेबियन सी में भी सक्रिय सिस्टम बन रहा है, तो घाटों पर काफी भीषण बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ अगले 5 दिनों के दौरान उम्मीद यह है कि दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। लगातार प्रभाव आपको नजर आएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत पर, साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में बारिश को लेकर संभावनाएं अगले 5 दिनों के दौरान काफी ज्यादा प्रबल नजर आ रही है। साथ ही साथ गुजरात के भी उत्तर पूर्वी इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दक्षिणी गुजरात के इलाकों पर कच्छ समेत आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश की उम्मीदें हमें नजर आ रही है। हालांकि आंशिक मौसम साफ रहेगा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के कुछ भागों पर भी मौसम के साफ रहने की संभावना है और जल्द ही मॉनसून के आगमन को लेकर संभावनाएं, परिस्थितियां आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। हालांकि अगले 5 दिनों के दौरान उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों को और पूर्वी राजस्थान तक मॉनसून के आगमन की परिस्थितियां बन सकती है। इसके अलावा गुजरात के भी उत्तर पूर्वी इलाकों तक मॉनसून पहुंच सकता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। लगातार आप चैनल पर बने रहें, आपको अपडेट मिलता रहेगा किस तरह का मॉनसून प्रदर्शन आगामी समय में रहता है। धन्यवाद।